हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रेमर नियम, क्रेमर रूल। क्रेमर नियम की सहायता से हम रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। इसको करने का फॉर्मूला क्या है, देखते हैं। माना हमने हमारे पास तीन रैखिक समीकरण हैं, तीन वेरिएबल, तीन चर में चर हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, और समीकरण है 1 2 3। ये हमने समीकरण दे दिया, हमें इसको क्रेमर नियम से कैसे हल करेंगे। देखो, ये जो रैखिक समीकरण निकाय है ये ए एक्स इज इक्वल टू बी रूप का है, जहाँ ए एक्स और बी मैट्रिक्स फॉर्म में हैं। जहाँ ये जो ए है एक्स वाई जेड के जो मल्टीपल हैं, गुणांक हैं, उनकी मैट्रिक्स है। जैसे एक्स का मल्टीपल ए वन वन है, इधर एक्स का मल्टीपल ए टू वन है, और इधर ए थ्री वन है। तो इससे पहला स्तंभ बन गया, वाई के मल्टीपल ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री टू, ये आ गए। और जेड के मल्टीपल है ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ये बन गया। तो जो ए मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स है। एक्स है ये स्तंभ मैट्रिक्स है, मतलब इसमें एक स्तंभ और पंक्ति तीन या जितनी भी हो सकती हैं समीकरण के अनुसार। तो ये चर हैं जितने भी एक्स वाई जेड, उनका स्तंभ मैट्रिक्स है। बी है, ये भी स्तंभ मैट्रिक्स है, बराबर के बाद जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उनकी स्तंभ मैट्रिक्स है। तो कभी भी हमें रैखिक समीकरण निकाय दे रखा हो, उससे हम ए निकालते हैं, उनके जो कोपिशियंट होते हैं एक्स वाई जेड के, उनकी गुणांकों की मैट्रिक्स से ए निकल जाती है। एक्स होती है चरों की स्तंभ मैट्रिक्स, बी होती है जो रैखिक समीकरण निकाय में जो बराबर के बाद जो राशि दे रखी होती है उनकी स्तंभ मैट्रिक्स। इस तरह से हम ए निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, बी निकाल हम निकाल लेंगे। अब हम एक्स वाई जेड को हल कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, इनका फॉर्मूला है। एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पे है जो ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसका सारणिक का मान। तो डेल्टा जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेल्टा। डेल्टा एक्स क्या होगा, इसको इधर देखते हैं। तो देखो डेल्टा हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डेल्टा एक्स क्या होगा, तो देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के टर्म है, चूंकि हमें डेल्टा एक्स लिखना है, तो पहले स्तंभ को हटा दो डेल्टा में से, और जो हमने बी की टर्म थी बी वन बी टू बी थ्री रख देंगे। इस तरह से हमारा डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा वाई क्या आएगा, तो देखो डेल्टा ऐसे ही हम डेल्टा वाई निकाल लेंगे। डेल्टा वाई हम निकालेंगे, वाई हमारा दूसरे नंबर पे है। जो डेल्टा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसमें दूसरे पद की जगह पे तो हम लिख देंगे बी वन बी टू बी थ्री, और पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ सेम रहेंगे, ए वन वन ए वन थ्री, ए टू वन ए टू थ्री, ए थ्री वन ए थ्री थ्री, ये डेल्टा वाई आ जाएगा। इसी प्रकार हमें डेल्टा जेड निकालना हो तो हम डेल्टा में देखेंगे जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा में जो हमें दे रखा है उसमें से तीसरे स्तंभ की जगह पे हम लिख देंगे बी वन बी टू बी थ्री, और पहले स्तंभ और दूसरे सेम रहेंगे, ए वन वन ए वन टू, ए टू वन ए टू टू, ए थ्री वन ए थ्री टू। इस तरह से हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकाल सकते हैं, और फॉर्मूले में रखकर एक्स वाई जेड की मान निकाल सकते हैं। ये अपना क्रेमर नियम का फॉर्मूला है। उससे पहले हम कंसिस्टेंसी चेक और करते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले में हमें इन तीन बातों का, या दो बातें इनका हमें याद रखना है। यदि हमारा डेल्टा जीरो के बराबर नहीं आता है, यदि हमारी डेल्टा की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आती है, तो हमारा जो रैखिक समीकरण निकाय है उसका अद्वितीय हल होगा। मतलब जीरो के अलावा कुछ और आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी राशि आए,
तो हमारा जो रैखिक समीकरण निकाय है उसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। और जिस हम रैखिक समीकरण निकाय का हल निकल जाता है उसे हम संगत रैखिक समीकरण निकाय बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, CONSISTENT। ये यदि हम किसी भी रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर सकते हैं, देखो हल है यूनिक, तो वो कहलाएगा संगत, कंसिस्टेंट रैखिक समीकरण निकाय या संगत रैखिक समीकरण निकाय। ये तो पहली कंडीशन थी। अगली आ जाती है डेल्टा बराबर जीरो। मान लो जो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो जीरो के बराबर आ जाता है, तो इसकी दो कंडीशन आएंगी कि डेल्टा तो जीरो आ रहा है और हमारे जितने भी हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड या और भी हो जाएं, वो सारे नॉन जीरो आ जाएं, तो इस तरह के रैखिक समीकरण निकाय का हल संभव नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और जिस रैखिक समीकरण का हल नहीं होता वो असंगत रैखिक समीकरण निकाय, इनकंसिस्टेंट रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। और जिस रैखिक समीकरण निकाय का हल निकल जाता है वो संगत या कंसिस्टेंट रैखिक समीकरण निकाय कहलाएगा। अगला है सेकंड केस का बी पार्ट है, डेल्टा तो हमारा जीरो ही आ रहा है बट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में कोई भी शून्य के बराबर आ जाए, कोई भी एक शून्य के बराबर आ जाए या फिर सभी शून्य के बराबर आ जाए, तो इस तरह के रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब उसका हल निकल रहा है और हल निकलते ही हमारा रैखिक समीकरण निकाय संगत, दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है, मैं इनको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी रैखिक समीकरण निकाय की कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम डेल्टा अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा जीरो नहीं आ रहा है, कोई भी और जीरो के अलावा और कोई संख्यात्मक वैल्यू आ रही है, तो हम ऐसे रैखिक समीकरण निकाय का हल यूनिकली प्राप्त करेंगे, अद्वितीय हल, केवल एक ही आएगा, एक्स का सिंगल मान आएगा, वाई का सिंगल, जेड का सिंगल। और जैसे ही हम ये लिख पाते हैं कि उसका हल निकल रहा है, उस रैखिक समीकरण निकाय का हल निकल रहा है, तो हम ऐसे रैखिक समीकरण निकाय को संगत रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं, या फिर कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन ये हो जाए कि डेल्टा जीरो आ जाए, तो यहां पे दो कंडीशन बनेंगी। डेल्टा जीरो होने पर पहली कंडीशन ये है कि हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को चेक करेंगे और वो सारे नॉन जीरो आ जाए, मतलब एक भी जीरो नहीं आ रहा है, तो ऐसे रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल संभव नहीं होगा, हल नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात असंगत समीकरण निकाय कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड का बी पार्ट देखिए, सेकंड का बी पार्ट है कि डेल्टा तो जीरो है ही और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में कोई भी एक शून्य के बराबर आ जाए या फिर सारे के सारे शून्य के बराबर आ जाएं, तो ऐसे रैखिक समीकरण निकाय के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और जैसे ही सॉल्यूशन आएंगे, हल आएंगे, तो इस तरह का रैखिक समीकरण निकाय हमारा संगत या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर कर देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, ये पहला समीकरण। दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तीसरा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 को हल करो। तो सबसे पहले ये हमारे रैखिक समीकरण हैं तीन, और रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम क्रेमर विधि को काम में ले सकते हैं। तीन समीकरण है, तीन चर हैं, एक्स वाई जेड तीन चर हैं और तीन रैखिक समीकरण हैं, हम क्रेमर विधि को काम में ले सकते हैं। क्रेमर विधि हमारी तभी काम आएगी, उतने ही रैखिक समीकरण होने चाहिए और उतने ही हमारे चर हों, तो हम इसको काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा रैखिक समीकरण है निकाय, ये ए एक्स बराबर बी रूप का है, जहाँ ए क्या है, इनके गुणांकों की मैट्रिक्स,
एक्स है हमारा ये वेरिएबल एक्स वाई जेड चर, इसकी स्तंभ मैट्रिक्स। बी है हमारे रैखिक समीकरण निकाय में जो बराबर के बाद की जो वैल्यू आती हैं, एक में 9 है, एक में 6 है, एक में 2 है, उसकी स्तंभ मैट्रिक्स। ये आ गई। अब हम इनकी हेल्प से डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा होता है जो ए मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट, या फिर अपन डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं ए वाली रहने दो, जो हमारे एक्स वाई जेड के गुणांक है उन एक्स वाई जेड के गुणांकों से बनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो देखो 2-1 3, 2-1 3, एक्स का गुणांक ये एक एक्स है इसीलिए एक कहलाएगा गुणांक, एक वाई है इसीलिए इसका गुणांक एक होगा, ये एक जेड है इसीलिए इसका गुणांक एक होगा। तो 1-1-1, 1-1-1, ये है 1-1-1, 1-1-1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को प्रसार विधि से हल करेंगे। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार करते हैं। तो देखो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, हम पहली पंक्ति का पहला अवयव ले लिया 2, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति छोड़ दिए। यह है ये 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा, 1 1 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इनका गुणा करेंगे माइनस वन आएगा, और जैसे ही माइनस वन रखेंगे माइनस वन ऑलरेडी प्लस वन हो जाएगा। फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा एलिमेंट रखने से पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 और 2 योग होता है 3 होता है, विषम, विषम होने पर हम माइनस रखते हैं, माइनस यहाँ रखा और माइनस वन उतारेंगे प्लस वन, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति हटा दिए, 1 1 1 1, ये 2x2 का बनेगा, तो 1 1 1 माइनस 1 आ जाएगा। अगला फिर हम प्लस के साथ उतारेंगे, देखो इसको प्लस के साथ उतारते हैं, इसको माइनस के साथ उतारते हैं, और इसको प्लस के साथ उतारते हैं, 3x3, तो हमने 3 ले लिया, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति हटा दिए, 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 1 1, ये आ जाएगा। अब आगे हमारे इसको हम हल करेंगे, फाइनली 4+0-6, ये आ गया माइनस के, इस तरह से हमें डेल्टा की वैल्यू आ गई -2। तो देखो 0 नहीं आई है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, जैसे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं संगत है। अब हम उनको निकालते हैं, अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स। तो देखो हम डेल्टा एक्स निकालते हैं, तो देखो डेल्टा हमारा ये दे रखा, मैं आपको बताता हूं, ये देखो डेल्टा हमारा ये दे रखा है -2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, तो मैं डेल्टा एक्स लिखना है, तो डेल्टा का ये जो पहला है इसकी जगह पे बी की वैल्यू रख देनी है, और बी के हमारा जो मैट्रिक्स है वो है 9 6 2, और सेम यही रख जाएंगे -1 1 -1 3 1 1, तो ये आ गया हमारा डेल्टा एक्स। अब हम डेल्टा एक्स को हम हल करेंगे, तो हम डेल्टा एक्स ये हमारा डिटर्मिनेंट है 3x3 का, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ कैसे हल करेंगे। देखो हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, 9 ले लिया, हम पहले अवयव को प्लस चिन्ह के अपना प्लस चिन्ह रखेंगे, फिर अवयव उतारेंगे, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति हटा देंगे, हमारे पास बचा 1 1 -1 1 1 1 -1 1, दूसरा एलिमेंट पहले हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे फिर दूसरा एलिमेंट उतारेंगे, इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति हटा दिए, 6 2 1 1 6 2 1 1, फिर हम प्लस का चिन्ह रखेंगे फिर तीसरा एलिमेंट उतारेंगे, है ना, फिर इनको स्तंभ और पंक्ति हटाएंगे 6 1 2 -1, और 2x2 का डिटर्मिनेंट हम हल करना जानते हैं कि हम मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करते हैं 1, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणा करते हैं, तो -1 -1 + हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा एक्स आ जाएगा -2। इसी प्रकार हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो डेल्टा वाई कैसे आएगा, हमारा ये डेल्टा दे रखा है, तो वाई दूसरे नंबर पे, तो दूसरे डेल्टा में से दूसरे नंबर का स्तंभ हटा देना है और वहाँ बी के एलिमेंट रख देने 9 6 2, और ये सेम रहेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा
2119623111। इस तरह से हम इसको प्रसार विधि से हल करेंगे, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। सिमिलरली हम डेल्टा जेड निकालेंगे, तो देखो डेल्टा का पहला स्तंभ सेम रहेगा, ये रहेगा, तीसरे स्तंभ में बी वाले एलिमेंट रख देंगे 962। हम इसको हल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स आ गई। इस तरह से हमें देखो सारी वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई -2, डेल्टा एक्स की -2, डेल्टा वाई की -4, डेल्टा जेड की -6। एक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा एक्स की वैल्यू -2, डेल्टा की वैल्यू -2, -2 से -2 को डिवाइड करेंगे 1, एक्स का मान आ गया 1। वाई का फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई की वैल्यू -4, वाई डेल्टा की वैल्यू -2, डिवाइड करेंगे आएगा 2। इसी प्रकार जेड का फॉर्मूला डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, वैल्यू हम रखेंगे जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3। इसी प्रकार हम क्रैमर विधि से किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। थैंक यू।